हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जस्ट टीम। दोस्तों आज मैं आपको लेके आ गया हूँ हॉर्स राइडिंग एंड स्पोर्ट क्लब फरीदाबाद। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप भी हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हो, स्टंट वगैरह सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। इसमें वीडियो में फुली जानकारी है कि आप कितने दिन में हॉर्स राइडिंग सीख सकते हो, स्टंट कितने दिन में सीख सकते हो, कितनी फीस है, टाइमिंग क्या है, पूरी जानकारी है इस वीडियो में। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो आइए मैं आपको यदि आप बिल्कुल जानकारी देता हूँ, यदि आप पहली बार राइडिंग पे जा रहे हो हॉर्स राइडिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले जो ट्रेनर है वो आपको बैठने का तरीका बताएगा, वो कैसे बैठते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनर आपको अपने साथ ही बैठा के और कम से कम कुछ राउंड ऐसे ही नॉर्मल वो आपको लेके साथ के साथ चलेंगे। फिर आपको बताते चलेंगे कि आपको उस पर प्रॉपर कैसे बैठना है, चेस्ट को एकदम बैक के साइड होके बैक एकदम स्ट्रेट बैठना एकदम, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और उसके बाद स्टंट वगैरह के लिए तो दोस्तों तो इसमें कुछ टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे गए और सेकेंड डे में आपको स्टंट वगैरह भी आ जाएगा। तो और इस वीडियो के लास्ट में मैंने फुली जानकारी बताया कि वो कितने दिन में आप सीख सकते हो। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ इनके ये जो स्पेस है काफ़ी स्पेसियस है यहाँ पे, और ये जो राउंडेड वाला है वो किड्स वगैरह के लिए है। ये जो है ये आप देख रहे हो, ये किड्स वगैरह, इसमें किड्स वगैरह को सिखाया जाता है। और ये जो है ब्लैक वाला, इसका नाम है जोया जोया, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ब्लैक वाला जो हॉर्स है ये। तो ये देख रहे हो, ये मेरा दोस्त है और ये राइडिंग कर रहा है तो और इन्जॉय कर रहा है बहुत अच्छा। टोटल इनके पास 10 घोड़े हैं और यहाँ इनका रहना खाना पीना सबका मतलब व्यवस्था यहीं पे है इनका ही। और ये है सेक्टर 82 शिव नादर स्कूल के बिहाइंड पीछे में है ये, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप राइडिंग यहाँ पे जाके कर सकते हो, सीख सकते हो, बहुत ही सस्ता है, टाइमिंग भी बहुत सही है। ये सारी जानकारी मैंने वीडियो में दे रखी है, वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में ये सारी जानकारी है। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ हॉर्स राइडिंग एंड स्पोर्ट्स क्लब फरीदाबाद सेक्टर 82। ये जस्ट नियर शिव नादर स्कूल के पीछे है। तो मैं आ गया हूँ आज आपको लेके, और भैया से कुछ जानते हैं कि यहाँ का पैकेज क्या है और पर डे का, और पर डे का पैकेज जानते हैं कि पर डे कितने मिनट की मतलब राइडिंग का क्या फी है और मंथली का क्या फी है। तो भैया से कुछ जानते हैं और बताते हैं। भैया बताइए क्या है, कैसे क्या है। जैसे एक पैकेज है जो राइड पैकेज, हाँ, उसकी ड्यूरेशन है 25 मिनट। और जो राइड पैकेज जो है उसकी जो राइड पैकिंग पैकेज जो है उसकी है टाइमिंग है 25 मिनट। और उसका मतलब की चार्ज है 600, उसका चार्ज है 600 रुपीज। उसमें आपको घोड़े में बैठाया जाता है और भाई राइडिंग से करवाई जाती है। अच्छा अच्छा। और भाई एक पैकेज होता है जो होता है कैजुअल राइड। अच्छा, एक कैजुअल राइड होता है, उसकी फी क्या है। उसका फीस है 800 रुपीज़, 45 मिनट की ड्यूरेशन होती है। अच्छा अच्छा। आपको प्रॉपर हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग, अच्छा हॉर्स राइडिंग का प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जो है जी भाई। हाँ। और भाई पैकेज है, अगर आप 3 डे वीक आते हो तो 3 डे वीक इन अ मंथ 6,500 रुपीज़। 3 डे वीक एंड 12 मंथ, और 6 डे वीक 10,000 फॉर अ मंथ। अच्छा जी। उसमें डेली बेसिक राइडिंग सिखाई जाती है, शो जंपिंग, टेंट ट्रैकिंग, ड्रेसार, सब बच्चों को ऐसे एज अ स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन किया जाता है। तो बच्चे और एडल्ट का भी फीस सेम है। सेम फीस है। अच्छा अच्छा। तो कितने मंथ में मतलब एटलीस्ट ट्रेंड हो जाएंगे, जैसे 1-1.5 महीने में बच्चा, 1-1.5 महीने में बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे। मान लो कि एडल्ट कोई आता है वो कितने दिन में फिर भी ट्रेंड हो जाएंगे, मिनिमम एटलीस्ट बता दो कि कितने दिन में वो ट्रेंड होंगे। जी सबको मिनिमम जैसे 1 महीने के आसपास लग जाता है। 1 महीने के आसपास लग जाता है, नॉर्मल अपना चलाना सीख जाते हैं। और स्टंट वगैरह के लिए मतलब उसके लिए जंपिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3-4 महीने। अच्छा। और यहाँ पे कितने घोड़े हैं। और हमारे पास 10 घोड़े हैं यहाँ पे। टाइमिंग क्या है मतलब मॉर्निंग में टाइमिंग क्या है। मॉर्निंग में भैया 7-10 7-10 टाइमिंग है मॉर्निंग की, और इवनिंग में 4-8 इवनिंग की जो टाइमिंग है 4-8 की है। तो भैया आप लोगों के लिए बता दिया मैंने, बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आओ। यह है नियर शिव नादर स्कूल सेक्टर 82 फरीदाबाद में, और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का। और ये है आपका मतलब बच्चे भी आ सकते हैं, एडल्ट सभी के लिए है यहाँ पे। और जो टाइमिंग है यहाँ की मॉर्निंग में है 7-10 और इवनिंग में है 4-8। तो यहाँ का जो पैकेज है वो आपने भैया से आपने जान ही लिया, और मैं वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी चीज़ें। तो आप लोग यहाँ पे आके इजली सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, और बहुत जल्दी विद इन अ मंथ में और
यदि स्टंट वगैरह करना चाहते हो तो आप 1.5 से 2 महीने में आप इजीली सीख सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।